हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट जरूर बताइएगा। तो आज जो हम बात करेंगे क्लास 10 के कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, जो लगातार किसी न किसी इयर्स में आते रहे हैं, एग्जाम से पूछे गए हैं। जैसे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, तो आज अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास 6 to 12 की मैथमेटिक्स की जो भी वीडियोज वगैरह है वो आपको मिलती रहती है। तो चलिए, तो जैसा कि सबको पता है आज लास्ट डे है हम लोगों का 2022 का, तो आप सभी को तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारे जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फेल कॉर्सेज है या जो भी है, उन सभी को और जो ऑफलाइन क्लासेस की फ्रेंड्स सभी को नए साल की यानी 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, जीरो a plus b is greater than 0 and the less than equals to 90 and a is greater than b, find a and b. तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर प्रॉब्लम मैं बताऊंगा कहां स्टूडेंट्स को आती है, वो भी आप लोगों को ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, बहुत से बच्चे सारे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप लोग बोर्ड में बैठते हैं ना तो आप लोग का ऐसा माइंड डाइवर्ट सा हो जाता है कि क्वेश्चन की मतलब करना क्या वो भी नहीं पता लग पाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पेपर लेकर के आप एग्जाम में बैठे, पहले क्वेश्चन को फ्री ऑफ माइंड से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद में जल्दबाजी नहीं, भाई ये क्वेश्चन मुझे 5 आ गया चलो इसे कर दो 5 वाला, नहीं। आप लोग क्वेश्चन को पहले अपने माइंड में सॉल्व करिए, उसके बाद में क्वेश्चन को सीरीज वाइज करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग शुरू करते हैं। करने का तरीका मेन चीज होता है, जब एग्जामिनर आपके पास कॉपी चेक करता है ना, आंसर शीट चेक करता है, आपके मेथड को चेक करता, करने का तरीका, ये नहीं करना क्या था कर दिया क्या आंसर आगे तो आंसर आगे सही हो गया हमारा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। स्टेप वाइज कॉपी चेकिंग होती है, आंसर शीट जो चेक होती है आपकी स्टेप वाइज चेक होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करते हैं, और जैसा आपको यहां कराया जा रहा है आप लोगों को अपने आंसर शीट में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को करके आना है। चलिए तो क्वेश्चन क्या दी गई है वो देख लीजिएगा। गिवन में हमें क्या है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3, देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन था फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सबको पता है, अब बहुत से ना क्या करेंगे, टेन ए प्लस बी लिखेंगे यहां पर और क्या करेंगे डायरेक्ट 60, ए प्लस बी 60 आ गया। इज देन लाइन बाय स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को करके चलना है, क्योंकि जब हम कॉपी चेकिंग होती स्टेप टू स्टेप चेक होती, जहां पर स्टेप कोई मिस कर दिया आपका वही वो स्टेप वाला मार्क्स कट जाता है, तो इसलिए स्टेप टू स्टेप चेक है। अब क्या करना है स्टेप में, अब आपको लिखना है सर टेन ए प्लस बी जो है वैल्यू वो किसकी वैल्यू होती है, सर टेन 60 की होती है, किसकी होती है, क्लियर हो गई बात। अब 60 की है तो सिर्फ 60 नहीं, ऊपर ये डिग्री का साइन जरूर लगाएंगे। अब देखिए टेन से टेन कैंसिल हो गया, बहुत बच्चे ऐसे जो टेन को टेन से काट के दिखा देंगे, कभी भी नहीं, आपको इस टेन को टेन से काट कर दिखाना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, यहां से आपकी ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी है फर्स्ट वन में, इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गई आपकी ए प्लस बी इक्वल टू 60। अगर आप इस टेन से टेन काटते हैं ना तो टीचर को पूरा हाथ यार आपका मार्क्स आधा तक करने का पूरा उसको छूट मिली वो काट सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आइए अगले, अब आगे क्या दी गई है, एंड टेन ए माइनस बी गिवन आपको, टेन ए माइनस बी आपको कितना दी गई है स्टूडेंट्स, ये है सर 1/√3, बिल्कुल जी 1/√3, बिल्कुल सेम है यहां करना आपको। तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या यहां पर थिंग, आपको अगर टेबल याद होगी ट्रिग्नोमेट्री की तो जरूर आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन को, जिसको टेबल याद नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। देखिए लास्ट टाइम चल रहा है आप लोगों का डेट शीट आपकी आ चुकी है, कल अनाउंसमेंट सीबीएसई ने कर दी डेट शीट, अपनी अपनी डेट शीट भी देख लीजिएगा, वरना हम आज आप लोगों को वीडियो जस्ट आप लोग बाद में देख सकते हैं, डेट शीट की भी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए तो टेन ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो सर हो जाएगी हमारी टेन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3, बात समझ में सभी की आ चुकी होगी, ठीक है। अब सुनिए तो 10 से 10 फिर से कैंसिल होता पर आपको काट के नहीं दिखाना है, आप क्या लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सर बिल्कुल जी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इक्वेशन तो सॉल्व करनी दोनों, अब बहुत से बच्चे इक्वेशन भी सॉल्व गलत करते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट थी, ये कौन सी थी हमारी सेकंड थी। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए,
अब हमको कहेंगे सर हमें आता है, बहुत से बच्चे स्टूडेंट नहीं है जिनको नहीं, जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते ना स्टूडेंट, ऐसी ऐसी कॉपियां आती ना, ऐसी ऐसी कॉपियां आती ना, आप कह नहीं सकते। अगर मैं कभी आपको अभी दिखाने लगू ना, पर ऐसे शो करना वो ठीक नहीं है, किसी की इज्जत उतारना वो ठीक नहीं है। फिलहाल जो है क्वेश्चन को देखिए, आइए देखिए, यहाँ ये प्लस प्लस के कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कैंसिल हो जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 2 से हम लोग कट करेंगे तो 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई सर, 45 डिग्री आ गई हमारी। आपसे बी की भी पूछी गई थी आपसे, है ना, तो बी की निकालने के ए की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में आइए हम लोग इसको पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ए की वैल्यू हो गई सर 45 डिग्री प्लस में बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इस टाइम बी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, यस 50 डिग्री, तो बी कितना आ गया 50 डिग्री। तो हेंस ए इक्वल्स टू कितना आया 45 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू कितना आ गया 15 डिग्री। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, आपको देना है, कहीं भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, 2 नंबर का ही एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स यहां पर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो जो चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रहेंगी वो हम आपको बताते चलेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के लिए जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हो उसका फॉर्मूला साइड में जरूर शो कर दे, अगर आप लोग रफ काम करते हैं तो रफ काम अपने कॉपी के सबसे पीछे जो पेज होता है बैक साइड में सबसे चले जाएंगे, उस पे वो लिख देंगे रफ वर्क, और उसी में टोटल रफ करना जितने पेज करेंगे, और रफ लिखने के बाद उस पेज को आप लोग अपने आप कट कर देंगे। ये कट करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग जो लेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग अपनी चला रहे हैं। चलिए आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं इसको, आइए तो इसको हम रफ कर देते हैं यहां तक, जब तक आप लोग क्वेश्चन पर नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, 2 क्वेश्चन जो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा भैया क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब ये मत कहना सिलेबस में नहीं है, कभी कभी कुछ चीज ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिलेबस में नहीं, रिपोर्ट आप लोग सब दे रहे होंगे, अपने स्कूल्स में भी देख रहे होंगे कि कभी कभी आप लोग सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कोरोना की वजह से इसको रिड्यूस किया गया था, पर आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, सभी चैप्टर्स की करेंगे। देखिए मैं तो हमेशा सभी चैप्टर्स की बात करूंगा, चाहे रिड्यूस हो या ना हो, देन सो दैट, तो इसलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक करा देंगे तो बाकी आप अपने आप कर सकते हो, देन सो दैट, then so that sin b plus c upon 2 is equals to cos a by 2, cos a by 2, ये question आपको given है। देखिए क्या given है, a b c are the interior angle of a triangle, interior angle of a triangle a b c, then so that आपको सो क्या करना है, साइन बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए बाई टू, और ये क्वेश्चन हमें गिवन है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप लोगों को अच्छे से समझना है, अच्छे से मेहनत करके अच्छे से तैयारी आप लोगों को करनी है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए हम एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट जानते हैं ट्राइंगल की, क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, पता है ना कि जो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, मालूम है हमें, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बात समझ में आ गई होगी,
अब यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए बी प्लस सी लिखा है, क्या लिखा है बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी को तो सर हमको कहां लेना है, यहीं पर लेना है, और इक्वल में किसको पहुंचा दीजिए सर, ए को पहुंचा दीजिएगा, ये लीजिएगा ए को हमने इधर पहुंचा दिया, बात समझ आ गई है। अब सर हमको तो साइन लाना है, क्या लाना है सर, सर हमको तो यहां पर साइन लाना है, सर साइन से बड़ी बात नीचे टू लिखा हुआ है, टू भी लाना है, तो अब क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टू ऑन बॉथ साइड्स, क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई टू ऑन बॉथ साइड्स, बोथ साइड्स, चलिए डिवाइड करिए टू से पहले, तो बी प्लस सी अपॉन में टू हो जाएगा, और यहां पर 180 माइनस ए अपॉन टू हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, दोनों के अपॉन में क्या कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे करके 180 डिग्री अपॉन टू और माइनस ए अपॉन टू, अब टू से कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट्स, 90 टाइम जाएगा, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी सभी के बाद। चलिए अब यहां इरेज कर देते हैं, यहीं पर हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, 100% आप लोगों को बोर्ड में यहां से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले, इग्नोमेट्री एक मोस्ट चैप्टर इसलिए हो जाता है, लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ फंसते हैं इग्नोमेट्री में, 4 मार्क्स आप इग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन से फंसेगा और 10 मार्क्स आपके करीब यहां से हो सकते हैं। तो कितना आ गया स्टूडेंट, बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन टू, ठीक। अब सर अब आगे क्या करें, लाना तो साइन और कॉस है, पर आपका तो यह आया बिल्कुल आया है, अब हम क्या करेंगे यहां पे, टेकिंग साइन और बोथ साइड, ठीक है, क्या लिखेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बोर्ड में हर साल लगभग पूछा जाता है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, साइन बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा, और यहां लिखेंगे साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, डिग्री का साइन जरूर लगाएंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिग्री लगाना, ठीक। अब आपको सबको मालूम है यहां पर सर, हां सर, अब आंसर आपका आ चुका है सर, साइन बी प्लस सी अपॉन में टू हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, तो आप कहेंगे सर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री वाला मतलब साइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कॉस ए अपॉन टू, यही आप लोगों को प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर आ चुका है। देखिए ये हमारा 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे तो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की सीरीज चल रही है, इसलिए मैं पर्टिकुलर बोर्ड की बात नहीं करूंगा यहां पर, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सरसाइज चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कंप्लीट होता है, आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, लेकर के आए हैं हम, पहले यहां तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 3 पर, और 3 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं, चलिए आप लोग जब तक नोट कर सकते हैं जब तक हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस sec थीटा, सॉरी यहां पर प्लस का sec थीटा, और आगे लिखा है 1 प्लस cot थीटा और माइनस का cosec थीटा इज इक्वल टू 2 लाना है, पर सभी चेक कर लीजिएगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 2 आपको आंसर में लाना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं, और कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना, चलिए आइए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट कर लिया होगा सभी ने लगभग, चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगभग हम लोग हर चैप्टर से कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के फैन में जो डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारा लगभग सर कंप्लीट सिलेबस निपट जाएगा, हो जाएगा।
चलिए सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग और एलएचएस लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन की टेकिंग एलएचएस। देखिए एलएचएस जो आप लोग क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं ये सिर्फ आप लोगों को मालूम है, आपको कुछ को आते होंगे क्वेश्चन सर ये तो बहुत इजी है, तो कभी कभी इजी क्वेश्चन भी हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में हार्ड लगने लगते हैं जब हमसे वो नहीं होते हैं। ठीक है तो आप लोगों को इजी क्वेश्चन कह दीजिए या कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सबको लग रहा है सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। आइए देखिए तो कैसे कैसे करना है, एक एक स्टेप पे चलते आइए। तो 1 प्लस tan थीटा है यहां पर और प्लस में कितना लिखा sec थीटा। अब देखिए यहां पर tan है तो यहां पर भी हम लोग भाई tan ही बना लेते हैं, तो सबको पता कि tan जो होता है cos जो होता है वो कितना होता है 1/tan थीटा होता है और माइनस का कितना हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए देखिए तो 1 प्लस tan थीटा प्लस में sec थीटा 1 प्लस। अब देखिए tan एलसीएम ले लेंगे हम यहां से, तो tan जब आप एलसीएम ले लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर tan थीटा हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा tan थीटा cosec थीटा, tan थीटा इंटू cosec थीटा और पूरे के फॉर्म में एलसीएम हमारा कितना था tan थीटा। जी सर बिल्कुल हो गया सर। आइए देखिए और लगभग हमारा क्वेश्चन लगभग होने की कगार पे लगभग लास्ट में आ चुके हम लोग, sec थीटा हो जाएगा और यहां ये देखिए tan थीटा है, कोई बात नहीं यहां भी हमारा क्योंकि tan है प्लस में 1 है तो 1 हमारा मिल चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए tan को स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं सर, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल स्टूडेंट लिख सकते हैं सर, cosec को हम लिख सकते हैं कितना 1/sin थीटा बिल्कुल स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। इस वाले टैन को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये टैन हमारे लिए। इस साइन से सर इस साइन को कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब आइए इसकी फॉर्म को मैं ऐसा बना लेते हैं कैसे बनेंगे, देखिए 1 प्लस tan थीटा और प्लस में कितना लिखा है sec थीटा लिखा है, लिखा है जी बिल्कुल लिखा है। अब यहां आ जाइए यहां पर पहले 1 लिख दीजिएगा प्लस में tan थीटा यहां है तो यहां भी tan थीटा हमारे पास है। अब यहां देखिए cos बचा नीचे, cos ऊपर जाके कौन हो जाता है सबको पता सर sec थीटा हो जाएगा, बात समझ आ रही है। अब ये जो हमारा नीचे tan है इस tan को नीचे ही रहने दीजिए, इस tan को हम लोग यहां लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम ना करे इसलिए हमने इसको कहां लिख दिया यहां लिख दिया। ये देखिए तो 1/tan थीटा यहां ये देखिए ध्यान से इसको हम टू पेयर्स में कैसे बनाएंगे वो देखिए 1 प्लस tan थीटा को ऐसे लिखिए देखिए ठीक और sec थीटा ऐसे यहां कर लीजिएगा देखिए ये हम लोगों ने इस तरीके से बना लिया ऐसे यहां कर लीजिएगा देखिए ध्यान से 1 प्लस tan थीटा और ऐसे ही यहां पर माइनस का sec थीटा, बात समझ में आ गई सभी के? यस सर आ चुकी बात। 1/tan थीटा ठीक कितना 1/tan थीटा है यहां पर। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सही बात बिल्कुल एक बार प्लस में लिख दीजिएगा और एक बार सर माइनस में हो जाएगा लीजिएगा क्या बनी आइडेंटिटी एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको यूज किया साइड में लिख दीजिएगा कि सर हमने यहां क्या यूज करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या यूजिंग वाई लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यूजिंग वाई लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में वो आई ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो 1/tan थीटा अब यहां हम लोग क्या करेंगे इसका फॉर्मुला खोलेंगे है ना, फॉर्मुला क्या होता है सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2 tan थीटा और ये माइनस का कितना sec स्क्वायर थीटा है, कोई बात नहीं इसको भी हमने यहां लिख दिया देखिए। अब क्या लिखेंगे 1/tan थीटा अब देखिए 1 प्लस 2 tan थीटा को आप यहां लिख दीजिए देखिए माइनस को मैंने कॉमन लेकर के ऐसे लिख दिया देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर कौन सी आ गए हम लोग थर्ड नंबर पर आ गए सेकंड वाली कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। क्या बोला हमने कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है तो ये तो हो गया भाई 1 तो 1/tan थीटा 1 प्लस 2 tan थीटा। अब जब ये 1 हो गया तो माइनस का 1 लिख देंगे फॉर्मूला ध्यान रखिए आइडेंट आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा
by using the identity sec square theta minus cosec tan square theta equals to 1. 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन tan थीटा इंटू 2 tan थीटा. अब यहां देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, 2 ही हमको लाना था. अब 2 किसके इक्वल हो गया, RHS के. तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गई, RHS हो गई. तो यही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. कम कम क्वेश्चन यानी 2 टू 3 क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में बात करेंगे. इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी बात करी है, और यहीं पर ही आपका पार्ट भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की. उसके बाद में सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जहां जाकर 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, केस स्टडी भी आपकी बन सकती है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. आप सभी को एक बार फिर से नए साल की 2023 ईयर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को दिवाली क्लासेस के यूट्यूब चैनल की तरफ से. तो आप विश करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएं. गुड बाय टू ऑल, फिर मिलेंगे.